27 नवंबर 1996 सुबह के 3 बजे अफगानिस्तान में यूएन दफ्तर के बाहर करीब 15 ट्रक, हर ट्रक में 8 से 10 हथियारबंद लोग आते हैं, पूरे दफ्तर को घेर लेते हैं, यूएन के दफ्तर में घुस जाते हैं, नौकर या और कोई ऑफिशियल वहाँ के सब इधर उधर भाग जाते हैं। मुजाहिदीन सारे ऑफिस के यूएन कंपाउंड की तलाशी लेना शुरू करते हैं, नौकर से पूछते हैं कि नजीबुल्ला कहाँ है, ना बताने पर खुद ही पूरे कंपाउंड की तलाशी लेते हैं और एक रूम से नजीबुल्ला को और उसके भाई को उसके सर के बाल पकड़ के खींच के ले आते हैं। पहले बुरी तरह पिटाई करते हैं, फिर उसका गुप्तांग काट देते हैं और उसके बाद मुंह में जबरदस्ती सिगरेट ठूस कर उसके कपड़ों में अफगानिस्तानी करेंसी भर देते हैं और उसके बाद सीधा सर में गोली मार देते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है विकास और आज के इस स्टोरी में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्ला के कत्ल के बारे में, कि कैसे तालिबान ने जब 1996 में अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तो किस तरीके से उन्होंने, जो उस समय के राष्ट्रपति थे नजीबुल्ला, किस तरीके से उनका कत्ल किया। तो कहानी स्टार्ट होती है 1987 से। 1987 में नजीबुल्ला अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। नजीबुल्ला को लेके लोगों का ये मत था कि वो अल्लाह को नहीं मानते, इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानते, वो थोड़े कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, तो उनके बारे में इस तरह की राय थी कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो धर्म को भ्रष्ट कर देंगे, खराब कर देंगे, कुछ इस तरीके की उनके बारे में राय लोगों की थी। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। उस समय जब वो सरकार में आए, सरकार उन्होंने बनाई, तो उस समय के बाद उन्होंने धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन अफगानिस्तान में स्टार्ट कराया। स्कूल बने, हॉस्पिटल्स बने, धीरे धीरे डेवलपमेंट का काम होने लगा, वुमेन्स को राइट्स मिलने लगे, स्कूल जाने का राइट्स, काम करने का राइट्स, तमाम दुनिया भर के मॉडर्नाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका पाकिस्तान को फंड करता था, पाकिस्तान में कैंप लगाए जाते थे, अफगानिस्तान से लड़कों को बुलाया जाता था, उनको यह बताया जाता था कि देखो ये जो नजीबुल्ला की सरकार है, सोवियत संघ का जिसके ऊपर हाथ है, क्योंकि नजीबुल्ला कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे तो सोवियत संघ से उनके अच्छे रिश्ते थे। सोवियत संघ ने अपनी सेना भी अफगानिस्तान में लगाई हुई थी, पैसा भी देते थे, तो उस समय जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में मौजूद था तो नजीबुल्ला की सरकार थोड़ी मजबूत थी। अमेरिका को ये बात जरा भी पसंद नहीं थी। अमेरिका पैसे देता था पाकिस्तान को, पाकिस्तान में फंड होता था, वहां पे कैंप लगाए जाते थे, अफगानिस्तान से लड़कों को बुलाया जाता था कि जो सोवियत संघ है ये नजीबुल्ला सरकार के उसकी मदद से आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट कर देगी, सब सारी व्यवस्था सब खराब कर देगी, आपका कल्चर खराब कर देगी, इस तरीके की बातें थी। तो वहां से उस समय जो लड़कों को बुलाया जाता था, उनको लड़ाका बनाया जाता था, उनको कहा जाता था मुजाहिद। मुजाहिद का मतलब जो मजहब की रक्षा करेगा, जो अपने मजहब को बचाएगा। उन लड़कों को अफगानिस्तान से बुलाया जाता था, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में उनको ट्रेन किया जाता था, वहाँ पैसे दिए जाते थे, उनको हथियार दिए जाते थे, तमाम ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरीके से जाके वहाँ आतंक मचाना है और नजीबुल्ला की सरकार के खिलाफ लड़ना है, सरकार को गिराने के लिए कैसे कोशिश करनी है। उस समय से ही सब कुछ चल रहा था। काफी सारे सैनिकों के मारे जाने के बाद, बहुत सारी पूंजी लगा देने के बाद, सोवियत संघ ने 1989 में यह डिसाइड किया कि वो अपनी सेना वापस बुला लेंगे और 1991 में उन्होंने अपनी सेना वापस बुला भी ली। क्योंकि अफगानिस्तान में लड़ाकों से लड़ना, मुजाहिदीन से लड़ना, तालिबान से लड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है अफगानिस्तान, प्लेन एरिया नहीं है, एयरफोर्स काम नहीं करती, जब पहाड़ी इलाके की बात आती है तो एयरफोर्स वहाँ सक्सेस नहीं है। तालिबानियों को तो सब सारे रास्ते पता हैं, ना तो उनके कुछ ऐसे कल्चर्स हैं, ना उनका कोई लिविंग स्टैंडर्ड है, उनको बस खाना है मारना है, तो सोवियत संघ की सेना नहीं टिक पाई। तो इसलिए उन्होंने आखिरकार ये निश्चित किया कि
निश्चय किया कि छोड़ देंगे वो अफगानिस्तान को, और 1991 में उन्होंने अपनी सेना बुला ली। जब सोवियत संघ ने अपनी सेना वहां से बुला ली, उसके बाद नजीबुल्लाह कमजोर पड़ गए, जो कि सोवियत संघ ने अपनी सेना बुला ली, फंडिंग देनी बंद कर दी, मुजाहिद और मजबूत होने लगे, हमले और होने लगे। तो नजीबुल्ला को ये बात समझ आई कि बिना बिना सोवियत संघ के सपोर्ट से बहुत मुश्किल है, नहीं चला पाएंगे वो सरकार। बार बार हमलों से उनको ये भी लगने लगा कि उनको जान का भी खतरा है। 1991 में नजीबुल्ला ने फैसला किया कि अगर कोई वैकल्पिक सरकार आती है तो वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मुजाहिदों को, तालिबान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो तो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो उनके हाथ में सत्ता है, और जो शरिया कानून, जो रूढ़िवादी कानून, इस्लामिक कानून है, उसके हिसाब से देश चलेगा, कोई संविधान, कोई नियम कानून और कुछ नहीं माना जाएगा। तो ये ऐसे चलता रहा। नजीबुल्ला इनसिक्योर होते गए, हमले होते गए, उन्हें दिन ब दिन लगता गया कि उनके बस की बात अब नहीं रही। तो आखिरकार अप्रैल 1992 को उन्होंने दिल्ली से मदद मांगी कि वो उनके परिवार को शरण दे। दिल्ली ने सारी चीज़ें कंसिडर की और उनके परिवार को शरण देने का फैसला किया। तो अप्रैल के पहले हफ्ते में नजीबुल्ला ने अपनी वाइफ और 3 बेटियों को दिल्ली भेज दिया। उसके बाद हमले और हुए। नजीबुल्ला के करीबियों ने बताया कि अब आप यहाँ रहना, आपका यहाँ रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तीसरे सप्ताह में अप्रैल के नजीबुल्ला ने ये डिसाइड किया, क्योंकि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उन्होंने नजीबुल्ला को बताया कि आपके लिए ये सही समय है कि आप देश छोड़ दें, नहीं तो जो मुजाहिद हैं आपको मार डालेंगे, आपकी जान यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 17 अप्रैल 1992 को यूएन के जो इंचार्ज वहां थे वो नजीबुल्ला के घर पहुंचे करीब 1:30 बजे। उनसे बताया गया कि अब आपका यहाँ एक दिन रहना भी सुरक्षित नहीं है, मुजाहिद आपको मारने के धीरे धीरे हर इलाके पर वो कब्जा कर रहे हैं, मुजाहिद आपको मारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं तालिबानी, तो आपका यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं, आपको यहाँ से हम निकालेंगे। एयरपोर्ट पर प्लेन खड़ा है, उसमें भी यूएन के कुछ ऑफिशियल्स हैं, आपको यहाँ से देश से बाहर निकालेंगे, आपको यहाँ से लेके जाया जाएगा। सिक्योरिटी इंचार्ज ने, जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने जब वो वहाँ से चले, नजीबुल्ला अपने अपने भाई के और अपने अंगरक्षकों के साथ, कुल मिलाकर 9 लोग थे और 3 गाड़ियों में सवार होकर ये लोग निकल गए। सिक्योरिटी इंचार्ज ने, इंटेलिजेंस ने उनको कोड दिए, कुछ कोड बताए कि आप जैसे कुछ चौकियाँ पड़ेंगी, सुरक्षा चौकियाँ पड़ेंगी, आप उनको ये कोड बताएं और वो आपको पार करने में आसानी होगी, वो आपको चौकियाँ पार करने देंगे, और उसे ये भी पता लगेगा कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। ऐसे होता गया, वो जिस चौकी पर जाते वहां कोड बताते, वो उनको आगे जाने देता। एयरपोर्ट से जो सबसे पहली चौकी थी वहां खड़े सैनिक ने वो कोड मानने से मना कर दिया कि नहीं, उसने बोला कि वो आगे नहीं जाने देगा नजीबुल्ला को। पहले जो उनके गार्ड थे वो उतर के आए, उन्होंने बात की, बहस हुई, नहीं माने। यूएन के ऑफिसर्स उतर के आए, सैनिक ने तो भी मना कर दिया कि नहीं जाने दिया जाएगा आपको। नजीबुल्ला चीखे चिल्लाए, खुद उतर के बहस की। तब एक सैनिक बोल पड़ा कि मैं अगर आपको जाने भी दूं तो एयरपोर्ट पर आपका कत्ल कर दिया जाएगा। उनमें से एक किसी व्यक्ति ने एयरपोर्ट पर जो प्लेन खड़ा था वहां बात की, तो जो एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन में जो था बंदा, एयरपोर्ट का ऑफिसर, उसने बताया कि उसके प्लेन को कुछ सैनिकों ने, लड़ाकों ने घेरा हुआ है चारों तरफ से, और उसने अंदर से दरवाजे लॉक कर लिए हैं, कभी वो सैनिक अंदर ना जाए। नजीबुल्ला को समझ आ गया कि अब एयरपोर्ट जाना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वापिस चलना है। यूएन के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला कि नजीबुल्ला हम आपको आपके घर लेके चलते हैं। नजीबुल्ला चीख पड़े, उनको अंदाजा हो गया था घर उनके लिए अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो यूएन कंपाउंड जाएंगे। वहां से काफिला गाड़ी में सवार होकर यूएन कंपाउंड की तरफ गया और वो सीधे यूएन कंपाउंड चले गए। उन्होंने वहां से इंडियन एम्बेसी को फोन किया,
जो उस समय इंडियन एम्बेसडर थे वहाँ, उन्होंने दिल्ली फ़ोन किया, सारा मामला बताया कि ऐसे ऐसे नजीबुल्ला हमारी जो वहाँ की एम्बेसी है उसमें शरण चाहते हैं। तो हमारे एम्बेसडर वहाँ गए नजीबुल्ला के पास, सुबह 4 बजे पहुँचे। वो पहले इंसान थे उस एयरपोर्ट वाले वाक्य के बाद जो उनसे मिले, वो उनसे मिले। तब दिल्ली ने नजीबुल्ला को शरण देने से मना कर दिया। उसके कुछ रीजन उन्होंने बताया। पहला कि जैसे तालिबान की सरकार आने वाली है, तालिबान कब्जा करने वाले हैं, तो आने वाले समय में अगर वो नजीबुल्ला को शरण देते हैं तो वो तालिबान के दुश्मन हैं, तो आगे तालिबान से बात करने के रास्ते बंद हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान में भी कुछ हिंदुस्तानी रहते हैं, उनकी जान को खतरा होगा। जब तालिबानियों को ये पता लगेगा कि हिंदुस्तान ने तालिबान के जो दुश्मन है नजीबुल्ला उसको अपनी एम्बेसी में शरण दी हुई है, तो जो वहां हिंदुस्तानी रह रहे होंगे उनकी जान को खतरा होगा, उनके अगेंस्ट वॉयलेंस होगा, क्राइम होगा। तो ये रीजन बताया। उसके बाद लगातार कोशिश करते रहे कि नजीबुल्ला कि इंडिया उनको शरण दे। उसके थोड़े टाइम के बाद पाकिस्तान और ईरान के जो राजदूत उनके पास मिलने आए, नजीबुल्ला को बताया गया कि ऐसे ऐसे आपसे पाकिस्तान और ईरान के एम्बेसडर मिलने आए हैं। नजीबुल्ला वहीं से चीख पड़े, चिल्ला पड़े, उनसे मिले, उन्होंने धुतकारा उनको कि मैं आप लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं और आप लोगों के यहाँ शरण लेने से मैं यहीं मर जाना पसंद करूंगा। क्योंकि वो जानते थे कि अमेरिका से सारी फंडिंग पाकिस्तान को ही आती है और ईरान भी उनमें से एक है जो आतंकवादी को सपोर्ट करता है, तो वहां तो वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं होंगे। उससे उन्होंने उनको भगा दिया डांट कर, कि उन्होंने फिर वहीं रहने का फैसला किया। वो कुछ समय तक वहीं रहे, करीब करीब कुछ समय तक क्या, लगभग लगभग 4.5 साल तक नजीबुल्ला वहीं यूएन कंपाउंड ही उनका नया घर था। ये सारी कहानी चलती गई। यूएन सेक्रेटरी बुतरस घाली दिल्ली आए, उस समय नरसिम्हा राव से बात की, उन्होंने बताया कि आप नजीबुल्ला को शरण दें। तो इंडिया ने एक बात बोली यूएन से कि आप हमें ऑफिशियली कहिए, राइटिंग में दीजिए, ऑफिशियली हमसे कहिए और तालिबानियों को विश्वास में लीजिए, पाकिस्तान को विश्वास में लीजिए। इस तरीके की बातें हुई। कुल मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इंडिया ने इस बीच 2 प्लेन भी भेजे, 2 बार प्लेन भी भेजे, लेकिन नजीबुल्ला को वहां से नहीं निकाल पाए। करीब 4.5 साल तक नजीबुल्ला यूएन कंपाउंड में ही सिमट के रह गए। वहीं उनका घर था, वो उनका भाई नजीबुल्ला, नजीबुल्ला का भाई और उनके अंगरक्षक वो वहीं थे। उसके बाद जो उनके कुछ विश्वासी लोग थे उन्होंने भी उनको धोखा दे दिया। जो उनके विदेश मंत्री वो सेनाध्यक्ष थे, वो मुजाहिदों से मिल गए, उन्होंने मुजाहिदों से समझौता कर लिया और उन्होंने एक तरीके से खुद अच्छा बनने के लिए नजीबुल्ला को बकरी का बला बना, बलि का बकरा बना दिया। उन्होंने सोचा कि हम तालिबानियों को, नजीबुल्ला को ऐसे गिफ्ट देंगे तो थोड़ा उनको रियायत मिलेगी और उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरीके के जो भी उनके स्वार्थ रहे होंगे, वो 27 नवंबर 1996 सुबह 3 बजे 15 ट्रक यूएन ऑफिस के बाहर, यूएन दफ्तर के बाहर, हर ट्रक में 8 से 10 बंदूकधारी लोग आ जाते हैं, यूएन दफ्तर में घुस जाते हैं, पूरे में फैल जाते हैं। नौकरों से, वहां जो काम करने वाले थे उनसे पूछते हैं नजीबुल्ला कहाँ है। कुछ जवाब ना मिलने पर खुद ही तलाशी लेने लगते हैं और आखिरकार एक रूम से नजीबुल्ला उनको मिल जाते हैं। उनके बाल पकड़ के खींच के घसीट के उनको बाहर निकालते हैं, उनके भाई को भी ऐसे बाहर निकालते हैं। नजीबुल्ला के गुप्तांगों को तालिबानी काट देते हैं, उनके मुंह में जबरदस्ती सिगरेट ठूंसी जाती है, उनके कपड़ों में अफगानिस्तानी करेंसी भर दी जाती है और फाइनली उनके सर में गोली मार दी जाती है। उसके बाद वो उनको घसीट के बाहर लेकर जाते हैं तालिबानी, उनको ट्रक के पीछे बांधते हैं, पूरे काबुल की सड़कों पे घुमाते हैं उनको। उसके बाद में जब उनका मन भर जाता है तो तालिबानी नजीबुल्ला की बॉडी को एक क्रेन से लटका देते हैं।
काफी समय तक उनकी बॉडी वहीं क्रेन से लटके रही, और बाद में राजमहल के सामने, रेजिडेंशियल हाउस के सामने एक लैंप पोस्ट से उनकी बॉडी को लटका दिया जाता है। काफी समय तक उनकी बॉडी को वहीं, कई दिन तक उनकी बॉडी वहीं लटकी रही। तालिबानियों ने यह बोला कि जो मुस्लिम रीति रिवाज से उनका जो नमाज़े जनाजा होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद रेड क्रॉस की टीम आई, बातें हुई, उसके बाद कहीं बाद में जाकर बड़े बुरे हालात में उसकी बॉडी को रेड क्रॉस की टीम वहां से लेके गई, और उसके बाद जैसे भी वो होता है उनका नमाज़े जनाजा वो किया गया। ये कहानी सुनाने का क्या मकसद है? ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि 20 साल बाद फिर से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। बहुत सारे वादे किए हैं, प्रोमिसेस किए हैं कि सरकार इस बार ऐसी नहीं होगी जैसे पहले थी, उनका शासन ऐसा नहीं होगा जैसे पहले था, इतना क्रूर नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 देखने में ये आ रहा है, जैसे जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कि तालिबानी फिर से अपने रंग में आ गए हैं। जिस तरीके की उन्होंने वादे किए कि नहीं, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, काम करने का अधिकार मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, उस तरीके का कोई भी चीज नहीं है। लगातार नए नए इंसिडेंट्स आ रहे हैं, और तालिबानी उतने ही क्रूर हैं। अच्छा तालिबान बुरा तालिबान कुछ नहीं है, उतने ही बुरे लोग हैं जितने कि 96 में थे, उतना ही बुरा शासन है जितना 96 में था।